ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और बाप समान बनने के लिए बेहद के वैराग्य की बहुत आवश्यकता होती है। बेहद का वैराग्य अर्थात अपने लिए कुछ भी यूज न करने की इच्छा, मन कहीं भी आसक्त न हो, चारों ओर से निकला हुआ हो, जैसे हमारा इस संसार से लंगर उठा हुआ है, जैसे कि ये संसार तो हमारे लिए बना ही नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा को वैराग्य रहा, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन वैराग्य के साथ चेहरे पर ईश्वरीय रुहाव भी सदा ही चमकता रहा। वैराग्य हमारे जीवन को सूखा न बना दे बल्कि हरा भरा करे, सब ईश्वरीय रसों से भरपूर करे। बाबा ने अपने लिए कुछ भी यूज नहीं किया। मकान बने, बाबा कहते थे नए मकान बच्चों के लिए हैं। साधन आए, नहीं ये सब बच्चों के लिए है, बाबा तो बूढ़ा है, अब तुम सब बच्चे इनका सुख प्राप्त करो। तो जैसे बाबा ने बेहद के वैराग्य के द्वारा बाप समान स्थिति को प्राप्त किया, हम भी बेहद का वैराग्य धारण करें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक समय आएगा जो हमसे सब कुछ छुड़ाएगा, हमें वैराग्य दिलाएगा, लेकिन तब समय हमारा शिक्षक बनेगा और उससे हमें ईश्वरीय सुखों की अनुभूति नहीं हो पाएगी। हम संपूर्ण तो बन जाएंगे लेकिन संपूर्ण बनने की यात्रा का सुख नहीं ले पाएंगे। ये एक बहुत सुंदर यात्रा है, सुखों से भरी है, ईश्वरीय आनंदों से भरी हुई है, इसका सुख लेना भी परम आवश्यक है। तो अपने मन में सुंदर सुंदर संकल्प करें, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हम उस बाबा की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे जो जन्म जन्म हमारी इच्छाएं पूर्ण करता आया है, या हम छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगे रहेंगे। तो जिन्हें महान बनना है, जिनकी ओर सारा संसार प्यासी नजरों से देख रहा है, वो सभी महान आत्माएं जो अपने को रियलाइज करते हैं, बेहद के वैराग्य को अपने जीवन में नेचुरल रूप से धारण कर लें। कहीं भी हमारा लगाव झुकाव न हो, ये खेल पूरा हो रहा है, अब देखते हुए भी कुछ नहीं देखना है। ये पाप की दुनिया, ये गंदी दुनिया, ये विकारों से भरपूर दुनिया, जहाँ काम की आग लगी हुई है, जहाँ छोटे बच्चों में ही काम वासना जल रही है, उन्हें जला रही है, ऐसी दुनिया को पावन बनाने का महान कार्य हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कहीं भी अटकेंगे नहीं और महान वाइब्रेशंस बाबा से लेकर संसार को प्योरिटी की शक्तियों की सकास देंगे। यदि हमने बेहद का वैराग्य धारण नहीं किया तो सकास देने की सेवा नहीं कर पाएंगे। जहाँ हमारा लगाव है, जहाँ हमें हम बंधे हुए हैं, हमारे वाइब्रेशंस केवल वहीं तक जाकर रुक जाएंगे। हम सदा योग युक्त भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा तो जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। दुनिया में गंदगी बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमें सकास देकर अपनी वंशावली को मदद करनी है। तो आज सारा दिन अपने को चेक भी करेंगे कि हम कहीं आसक्त तो नहीं हैं, कोई हद की इच्छाएं हमारी बुद्धि को अपने में आकर्षित तो नहीं करती हैं। हम बाबा से योग लगाकर
संसार में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, बहुत सुंदर ये अनुभव होगा। प्रकृति का मालिक हूँ, बाबा से पवित्र किरणें, सफेद रंग की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं और इस गंदी दुनिया को पावन कर रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।